नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द ब्रेकफास्ट शो में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज। इस हफ्ते भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 21 अगस्त तक हल्की बारिश का अनुमान। कोलकाता कांड पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंची। सूत्रों के मुताबिक 5 सदस्यों की मनोवैज्ञानिक टीम भी पहुंची। आरोपी संजय रॉय का करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोली निर्भया की मां आशा देवी, मुजरिमों को सजा के बिना नहीं रुकेगी इस तरह की घटना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया सीएम ममता बनर्जी का बचाव। बीजेपी पर लगाया सियासी फायदा उठाने का आरोप। भोपाल में छात्रा से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग। सोशल मीडिया पर धर्म बदल कर की छात्रा से दोस्ती। हिंदू संगठनों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। खत्म हुआ बरसों का इंतजार। आज गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में सीएए के तहत 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को देंगे भारतीय नागरिकता। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एक्सरसाइज जारी। संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। जेपीसी के चेयरपर्सन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी को 35 साल तक कोई हिला नहीं सकता। बीजेपी की जड़ें और संगठन दोनों ही मजबूत। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी आज फिर अयोध्या दौरे पर रहेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा में आयोजित रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। उदयपुर में आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। चाकूबाजी के नाबालिग आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। कर्नाटक सीएम के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का केस। राज्यपाल ने मंजूरी दी। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप। बीजेपी ने मांगा सिद्धारमैया का इस्तीफा। आज उज्जैन के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अलग अलग जगह रक्षाबंधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। राजगढ़ में रेत माफिया का आतंक। तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रायपुर सेंट्रल जेल भेजे गए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव। कोर्ट ने दी 7 दिन की न्यायिक हिरासत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। राज्य में बनेंगे 1200 से ज्यादा शहीद स्मारक। शहीद के परिजन को नौकरी और स्कूल में प्रवेश पर मिलेगा आरक्षण। त्योहारों से पहले अलर्ट हुआ खाद्य विभाग। भोपाल में कई दुकानों पर मारा छापा। मिठाई और नमकीन के लिए सैंपल। बिलासपुर में जानलेवा साबित हो रहे झोले छाप डॉक्टर। खैरा गांव में इलाज से मरीज की मौत। महीने भर में 4 बच्चों समेत 6 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार के भागलपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा। गंगा नदी में तेज बहाव में गिरा पुल का स्ट्रक्चर। 3 साल में तीसरी बार गिरा पुल। महाराष्ट्र के मुंबई में टीटी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे 3 यात्रियों की बदतमीजी। टीटी ने फाइन भरने को कहा तो मारपीट कर दी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के पैतृक गांव बलाली में हुआ भव्य स्वागत। स्थानीय मंदिर में किया दर्शन। लोगों ने फोगाट को सम्मानित किया। कहा ओलंपिक पदक एक गहरा घाव बन गया।